बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ और ढेर सारी दुआएं रही हमेशा अल्लाह के अमान में। जी फ्रेंड्स, हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, डर्ट डस्ट पोल्यूशन, उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत बेरौनक हो जाती है। और जो लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं, स्पेशली जो मिक्सचर्स यूज़ करते हैं, फार्मूला क्रीम्स, उनसे स्किन जो है वो बहुत जल्दी बेरौनक हो जाती है। और ज़रूरत होती है उस स्किन को कुछ ना कुछ ऐसा अप्लाई करने की जिससे उनकी स्किन फ्रेश हो जाए। और उसके लिए वो ब्लीच करते हैं, स्किन पॉलिश करवाते हैं पार्लर से। तो आज आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त स्किन पॉलिश जो घर पे मिनटों में तैयार होगी और वो देगी आपको पिंकिश ग्लो। तो देरी करते जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल में मैंने लिया है टोमेटो जूस, ये तकरीबन 1 टीस्पून नहीं टेबल स्पून जितना है। और उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। इसका जो है हम थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ करेंगे। और आपको ये वाली जो ब्लीच है, ये वाली जो स्किन पॉलिश है, आप इसको वीक में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये 1 पिंच जो है मैंने इसमें यूज़ कर लिया है बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, उसका मैंने यूज़ किया है। और इसको मिक्स कर लेना है। और इनके कॉम्बिनेशन से देखें, ये जो ज़बरदस्त फोम आया है इसमें, ये केमिकल रिएक्शन है और यही आपकी स्किन को ब्लीच करेगा, जो कि आम ब्लीच और स्किन पॉलिश जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे ये बिल्कुल पाक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड, दूध बहुत ज़बरदस्त सोर्स है लैक्टिक एसिड का और स्किन को लाइट ब्राइट चमकदार बनाता है जी। इसको ले लेना है हमने। और आप देख सकते हो कि ये इंग्रेडिएंट्स इतने कमाल हैं और इनसे बनने वाली जो स्किन पॉलिश है, जो ब्लीच है, वो भी कमाल करने वाली है आपकी स्किन पे। उसके बाद इसमें जो है हम ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास है बीट रूट पाउडर, ये मैं अपनी एक रेमेडी में बना चुकी हूँ। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, स्किन को बहुत ज़्यादा निखारता है और स्किन पे मौजूद दाग धब्बे जो हैं इनको ये बहुत जल्दी रिमूव करता है और पिंकिश ग्लो तो इससे आती ही आती है। फिर जी ऐड करना है हमने इसको स्मूथ बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त पेस्ट, जो हमारी स्किन पे आराम से जो है वो स्टे करे। और उस ऐसी चीज़ ऐड करें जिसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हों, और वो है हमारे पास यहाँ वाइट फ्लोर। आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, बेसन भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह इसका पेस्ट बनाना है। अगर आपको थिक थोड़ा सा लगे तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हो। आप इसकी गुडनेस का अंदाज़ा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी गुडनेस से लगा सकते हो कि ये कितने ज़बरदस्त होंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरह मिक्स करने के बाद आपने करना है जी अप्लाई। इस तरह जी करना है अप्लाई और उसके बाद इसको रहने देना है 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ।